नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। यूं तो सराइसिस त्वचा की बीमारी है जिसके कारण त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि सराइसिस जैसे दिखने वाले त्वचा पर लाल चकत्ते कैंसर का कारण भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने सराइसिस और कैंसर से जुड़े 58 अध्ययनों का विश्लेषण किया और पाया कि सराइसिस से पीड़ित लोगों में कैंसर होने का जोखिम 18% ज्यादा होता है। सराइसिस एक अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि जिनके परिवार में पहले किसी को यह बीमारी हो चुकी है तो नई जनरेशन को भी इस बीमारी का खतरा है। तनाव, भावनात्मक विकारों, यहाँ तक कि कुछ इस प्रकार की दवाएं भी इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। इसकी शुरुआत में त्वचा पर खुजली होती है, धीरे धीरे खुजली बढ़ जाती है, इससे सूजन हो जाती है, दर्द बढ़ने लगता है, फिर त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनमें से खून निकलने लगता है, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कमजोर इम्यून सिस्टम। जब इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तो वायरस त्वचा की स्वस्थ त्वचा पर हमला करने लगते हैं। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सराइसिस का कारण बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय की। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सराइसिस के मरीज को एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाले खाद्य पदार्थ जैसे हरी और पत्तेदार सब्जियां, दाल, फल, मछली, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नमक या खट्टे पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अपनी त्वचा की अच्छी तरह देखभाल करें, उसे रोज स्वच्छ रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।